फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नाश्ते में चने बने हो या फिर लंच में या डिनर में घर में कुछ चटकारेदार मजे का कुछ बनाओ, तो सर्दी में रोटी की बजाय हर फैमिली प्रेफर करती है कि नान खाए जाए। नान डेली हमारी फूड वो आइटम है जिसकी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है और इसकी कंजम्पशन की वजह से हर एक लोकेलिटी में बल्कि हर एक गली मोहल्ले में एक से ज़्यादा रोटी की और नान की शॉप्स होती हैं। लेकिन जब थोड़े से स्पेशल बना हो तो उसके साथ अच्छी क्वालिटी के नान खाने के लिए हम ऐसी प्लेस को प्रेफर करते हैं जहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा हो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे लेके आए हैं। ये फिरोजपुर रोड पे है, 5-star नान शॉप। क्वालिटी के अलावा इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके पास नान की सबसे ज़्यादा वैरायटी है। कीमे वाला नान, आलू वाला नान, चीज़ और पिज़्ज़ा नान, और इसके अलावा चॉकलेट नान, और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। नान के अलावा इनके पास पराठा भी अवेलेबल होता है। तो आप कभी भी फिरोजपुर रोड से गुजर रहे हो, आपका नान खाने का मूड हो तो आप इधर ज़रूर आइएगा, क्योंकि नान को हम सिर्फ सर्विंग आइटम के तौर पे ही नहीं बल्कि इसको एज ए फुल मील और इसको चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। कीमे वाला नान हो गया, चॉकलेट नान हो गया, कभी चाय के साथ शाम को मूड हो तो एक दो स्लाइस लें। लोकेशन बहुत ही इजी है, मेन फिरोजपुर रोड पे ही है। अगर आप शमावली साइड से इचरा की तरफ आ रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे ही मिड वे में शमा और इचरा के दरमियान 5-star नान शॉप है। सामने आप मेट्रो बस ट्रैक देख रहे हैं। अगर आप मेट्रो बस पे आते हैं तो शमा स्टॉप पे उतरें या इचरा स्टॉप पे उतरें तो वहाँ से 1 मिनट की वॉक पे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, गाड़ी हो या बाइक हो आप उसको कन्वीनियंटली पार्क कर सकते हैं, इतनी स्पेस है इस रोड में शॉप के सामने। ये बेसन वाले नान बनाए जा रहे हैं, बेसन की पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर प्याज भी लगाया जाता है। ये रेट लिस्ट देख सकते हैं आप, रेट्स इनके बहुत ही मुनासिब हैं।
सिटिंग स्पेस काफ़ी स्पेशियस है, ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा स्पेशियस है, वहाँ पे दो हॉल्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट साइड पे ओपन स्पेस भी है जहाँ पे रात को आप बैठ सकते हैं। कीमे वाला और आलू वाला नान जो ऑर्डर किया था वो दोनों फ्रेश सर्व हो चुके हैं गर्मा गर्म, वो दोनों चेक करते हैं आपको बताते हैं। इसमें कीमे वाले नान की पहले हम आपको बता दें कि इसकी एक स्पेशलिटी है, बाकी लोगों के जो मिलते हैं वो उसके अंदर फिलिंग करते हैं पेड़े के अंदर, जिस तरह से आलू वाले नान की होती है, लेकिन ये कीमे को आटे के अंदर भून के फिर उसका जो है वो नान लगाते हैं। उससे क्या है कि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है क्योंकि वो आटे के अंदर टोटली मिक्स हो चुका होता है। ये देखें थोड़ा क्लोजअप में आप देखें तो ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आपको ऐसे ही फील होता है जिस तरह से आप सीख कबाब खा रहे हैं बीफ के, और स्पाइस भी इसका मीडियम है, सॉफ्ट भी है और क्रिस्पी भी है। जाते हैं ऊपर घी क्योंकि फ्रेश लगाया है उस वजह से सॉफ्ट है। इसमें भी स्पाइस मीडियम है तो टेस्ट इसका अच्छा है, फ्रेश है। नान शॉप का कीमे वाला नान, क्या बात है इसकी, मसाले का लेवल ऐसा लगता है जैसे आप कीमा खा रहे हैं और बिल्कुल लुक इसके ऐसे है जैसे पिज़्ज़ा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है, इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ रायते के साथ इसका मज़ा दोबारा हो जाता है। फाइव स्टार नान शॉप की इज़ द बेस्ट क्वालिटी और दोपहर का लंच कोक फाइव स्टार के साथ बेस्ट क्वालिटी। ये चीज़ है और ये चिकन है, चिकन और चीज़ को मिक्स करके आप उसकी फिलिंग कर रहे हैं। ये पिज़्ज़ा नान बनता है, पिज़्ज़ा नान ये आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकती हैं। वही इसको बेक भी पिज़्ज़ा स्टाइल में ही करते हैं पैन के अंदर। ये ऊपर आपने क्या क्या चीज़ें इस पर डाली? कलवंजी और मसाला, कलवंजी है और उसके अलावा ये सैलड है। देखिए अब इसको कुक होने के लिए ओवन के अंदर रखा है। ये चीज़ बॉल्स हैं जो कि पिज़्ज़ा नान के अंदर यूज़ करते हैं। ये चॉकलेट नान है, चॉकलेट का स्लाइस इन्होंने लिया है। ये सॉस कौन सी ऊपर इसके लगाते हैं? दूध है, दूध लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट रहे। चिकन और चीज़ मिक्स है, ये इसको चिकन चीज़ नान भी बोलते हैं और पिज़्ज़ा नान भी बोलते हैं। थोड़ा क्लोजअप आपको दिखाते हैं, देखिए इसके अंदर फिलिंग जो है चीज़ बहुत फ्रेश है और पिज़्ज़ा के बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इन्होंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं।
एग्जैक्टली पिज्ज़ा वाला टेस्ट है, और बल्कि एक चीज़ उसमें जो पॉजिटिव है, पिज़्ज़ा की अक्सर जगह पे आपने देखा है कि डॉ जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन ये चूँकि नाक में लगाया हुआ है उसको, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उससे भी ज़्यादा मज़े का है। रेट्स बहुत मुनासिब हैं। हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा नान, एक कीमा नान और एक आलू का नान ऑर्डर किया था, साथ में ड्रिंक्स थी, तो 940 रुपये बिल बना है सिर्फ।